नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है आइसक्रीम लस्सी। देखिए बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम लस्सी बनी थी, इसका जो टेस्ट था बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ेदार लस्सी बनी थी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टेस्टी डिलीशियस आइसक्रीम लस्सी। आइसक्रीम लस्सी बनाने के लिए हमने लगभग एक कप शक्कर लिया है। आपको मीठा कम पसंद है, शक्कर कम भी ले सकते हो। एक कप दही ले आए, और आपको यदि गाढ़ी लस्सी बनाना है तो आपके इसके लिए हमने तीन कप पानी लिया। आप दो कप भी पानी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छी तरह से मिक्सी में से भी घुमा लेना है। देखिए इस तरह से मिक्सी में से आपको ब्लेंड कर लेना है, घुमा लेना है। आपको यदि लस्सी ट्रेडिशनल वे से बनाना है तो आप इसके अंदर जो आप ब्लेंडिंग की प्रोसेस है वो आप हाथ से भी कर सकते हो, उससे बहुत बढ़िया लस्सी बन जाती है। चाहे तो आप इसमें आइस क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी अच्छी ठंडी लस्सी बन जाती है। अच्छी तरह से भी हमारी लस्सी ब्लेंड हो गई है। हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स देखे उससे चार ग्लास लस्सी बन जाती है। ये देखिए हमने भी ग्लास लिए, ग्लास में अपनी लस्सी डालिए, पूरी तरह से ग्लास को भर लीजिए। बहुत ही बढ़िया लस्सी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम लस्सी बनी थी। इसके अंदर जो हम आइसक्रीम डालने वाले हैं उसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आइसक्रीम भी हमने घर पर ही बनाई है, बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनी थी, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी थी। देखिए अच्छी तरह से ग्लास अभी भर के रेडी हो गए। ग्लास अच्छी तरह से भरने के बाद जिसके ऊपर झाग आता है, झाग भी इसके अंदर डाल दीजिए और धीरे धीरे करके आइसक्रीम इसके अंदर परोसिए और चम्मच के साथ आइसक्रीम खाइए और लस्सी पिए। बहुत बढ़िया टेस्ट आती है, बहुत मज़ेदार लगता है ऐसा। देखिए पूरे ग्लास अभी आइसक्रीम भर के लस्सी के साथ रेडी हो गए। आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपकी रेसिपी कैसी बनती है, आपकी आइसक्रीम लस्सी कैसी बनती है, हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिए। आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।